अंकिता किचन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू। प्लीज एंजॉय वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपके लिए एक स्टार्टर की रेसिपी लाई हूँ। जब हमारे घर पे अचानक से गेस्ट आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि आज स्टार्टर में क्या बनाएं, तो आपको ये रेसिपी बहुत हेल्प करेगी। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाना है। एक पैन में हम 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और पैन में हम ऑयल को स्प्रेड कर देंगे ताकि हम जो कैप्सिकम उसमें ऐड करेंगे तब वो कैप्सिकम नीचे लगे ना। हमें इसको हाई फ्लेम पर सेकना है ताकि ये क्रंची रहे, इसका क्रंचीनेस ख़त्म ना हो। हम इसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, सॉल्ट टू टेस्ट। हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। शिमला मिर्च के साथ हमेशा ब्लैक पेपर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हम इसको 10-15 सेकेंड के लिए कवर इट करेंगे। अब इसमें मैं पनीर ऐड कर रही हूँ। अभी सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें मैंने कैरेट का यूज़ सबसे लास्ट में इसलिए किया है ताकि वो बिल्कुल क्रंची रहे, और पर्पल कैबेज भी मैंने इसमें सबसे लास्ट में डाली है क्योंकि उसे हमें ज़्यादा सोते नहीं करना है। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ अंकिताज किचन को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में दिए बेल आइकन पर ऑल क्लिक करें ताकि आप मेरी हर वीडियो देख पाएं। आज हम बनाएंगे कॉर्न पनीर मसाला। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डाला है। मैंने यहाँ पर 4 बड़े लाल टमाटर डाले हैं। टमाटर को मैंने मोटा मोटा काट लिया है। मैंने यहाँ पर 10-12 काजू डाले हैं, 2 चम्मच जितना मगज की बीजी, 1 हरी मिर्च,
मैंने यहाँ पर एक तेजपान का पत्ता, दो हरी इलायची, चार लौंग और 10 से 12 काली मिर्च और एक इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है। हमें इसे टमाटर के साथ ही अच्छे से भुनना है। इसको हम ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। हमें हमारे टमाटर को सॉफ्ट करना है, इससे ही हमारी एक माइल्ड ग्रेवी तैयार होगी। ये टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस टमाटर की हमको मिक्सर में प्यूरी बनानी है और जो गरम मसाले हमने डाले थे वो भी साथ में ही इसमें हमें पीसना है। अभी मैंने यहाँ पर एक दूसरा पैन लेकर 1 टीस्पून जितना बटर ऐड किया है। बटर से एक हमारी ग्रेवी में अच्छा सा टेस्ट आएगा। बटर को गर्म करके हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। हमें जीरे को सिकने पर 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करना है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक। अब इस मसाले को हमें बटर में अच्छे से सेकना है। अभी हमारा जो हमने मसाला, सूखा मसाला ऐड किया था वो सिक चुका है। हमने जो टमाटर को प्यूरी खड़े मसाले के साथ पीस ली थी वो हमें इसमें डालकर इसको अच्छे से मिक्स करना है। हमने इसमें लहसुन, प्याज, अदरक कुछ भी नहीं यूज़ किया है, फिर भी हमारी एक टमाटर से अच्छी सी ग्रेवी बनके तैयार होगी। अभी ये हमारी टमाटर की प्यूरी अच्छे से सिक चुकी है। अभी इसमें मैंने 1/2 टीस्पून दवे का दिव्य गरम मसाला ऐड किया है। हाफ टी स्पून कसूरी मेथी, 1/2 बाउल पहले से बॉईल करके रखे थे वो इसमें मैंने 1 बाउल ऐड किया है और 1/2 बाउल मैंने इसमें पनीर का ऐड किया है। यहाँ पर पनीर मैंने सेक कर नहीं डाला है, मैंने इसमें कच्चा पनीर भी यूज़ किया है। अभी हमें अच्छे से इसको मिक्स करके यहाँ पर हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए, बाद में जब कॉर्नर डाला था तब सेका था, फिर उसके बाद हमें सबसे लास्ट में इसमें अमूल फ्रेश क्रीम के 2 चम्मच जितना डालना है। बस अब हमारी रेडी है ग्रेवी और इसको अमूल फ्रेश क्रीम के साथ हमें मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने इस कॉर्न की सब्ज़ी के साथ बटर नान बनाए हैं। उसकी रेसिपी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। 2 कप मैदा लिया मैंने यहाँ पर छान के, उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1/4 टीस्पून सोडा, और इसको मिक्स करके हमने इसको 1/2 से ज़्यादा कप दूध यूज़ करके सॉफ्ट आटा तैयार कर लिया है। अब इसमें आपको देखना है आलू में इसको कैसे तैयार करते हैं।